एक्चुअली स्नेक बाइट हुई थी जून के महीने में और उसका लोकल लेवल पे इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ है, बट स्नेक बाइट के बाद उसके हाथ की जो स्किन और मसल्स है वो काले पड़ गए थे और एक स्प्रेडिंग इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसको मेडिकल डॉक्टर्स ने एम्पुटेशन करने की भी सलाह दी और उसके पेरेंट्स उसको मुंबई में एक सरकारी अस्पताल में ले आए जहाँ जख्म का प्राइमरी इलाज किया गया और हाथ बच गया, बट जो जख्म भरा वो सिकुड़ के टाइट हो गया या वो सेकेंडरी हीलिंग से भरा, जिसकी वजह से उसके रिस्ट और फिंगर्स की पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गई थी और जिसकी वजह से हाथ काम में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि फिंगर्स और थंब का फंक्शन इफेक्ट हुआ था। तो वो उस सिचुएशन में पहली बार हमारे पास बढ़िया ओपीडी में आया और हमने उसके लिए एक माइक्रो सर्जरी प्लान की जिससे कि जो डिफेक्ट है डिफॉर्मिटी है उसको सुधारा जा सके और जो डिफेक्ट बनेगा उसको किसी टिश्यू से कवर किया जा सके। तो इसको हमारी लैंग्वेज में माइक्रोवैस्कुलर फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र कहते हैं, जहाँ से कि उसके थाई से एक स्किन और फैट का पीस लिया जाता है उसकी खून की नसों के साथ और उस फ्लैप को हाथ पे फिक्स करके उसकी खून की नसें हाथ की नसों के साथ जुड़ी जाती है, जिससे कि फ्लैप का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नए से बनाया जाता है। सी इस सर्जरी के बाद बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई और प्रॉब्लम हेल्थ इशू कोई आया है सामने? नहीं, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये इसका सर्जिकल ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए इसको प्रॉपर एनेस्थीसिया इंटेंसिव केयर बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, बट एक बार सेटल होने के बाद ये जो फ्लैप है ये किसी भी नॉर्मल टिश्यू की तरह स्ट्रॉन्ग और स्टडी होता है और फ्यूचर हाथ की फंक्शन सुधारने के लिए अगर किसी सर्जरी या रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ्लैप के रहते उसे आसानी से किया जा सकता है। तो सर सर्जरी के बाद अब बच्चा क्या आम तरीके से आम बच्चों की तरह खेल कूद पाएगा क्या, फिर वो स्कूल जा पाएगा, उसको कोई पेन या कोई रहेगा प्रॉब्लम? नहीं, सर्जरी के बाद अभी बच्चे ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है और फ्लैप अभी ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है, अभी उसे कुछ महीनों तक रेगुलरली फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ऑपरेशन का मैक्सिमम फ़ायदा उसे मिल सके और हाथ का फंक्शन सुधर जाए और फिर एक 4 से 6 महीनों के बाद उसके हाथ के फंक्शन को दोबारा से एसेस करके उसे किसी और रिकन्स्ट्रक्टिव या एडिशनल किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है क्या वो डिसाइड किया जा सकता है और उसको किसी भी तरह की किसी भी रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन को फेस करने की जरूरत नहीं।